अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। भारतीय टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया है। उसी प्रकार से अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए BCCI ने पहली भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर चुकी है, जिसमें इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। इसलिए अब भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का रोमांच और भी बढ़ चुका है। तो वहीं इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 महामुकाबला जो कि 22 जनवरी को खेला जाना है, इसी के लिए टीम इंडिया के कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि यह T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप से आखिरी इंटरनेशनल सीरीज होने वाली है। इसलिए रोहित शर्मा ने उन्हीं खिलाड़ियों के लिए इस T20 सीरीज में खेलने का मौका दिया गया है जो T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाई, इंग्लैंड की टीम के कप्तान बनाए गए जोस बटलर ने ऐलान कर दिया है कि हम इस T20 सीरीज में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और जिस तरह से हमने भारतीय टीम के लिए 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हराया था, उसी प्रकार से हम अब इस सीरीज में हराने वाले हैं। तो वही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पास यह सुनहरा मौका होगा कि वह T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला यह T20 सीरीज हरा कर लेंगे, क्योंकि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में हाल ही में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह, शिवम दुबे एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही तेज गेंदबाजी में भारतीय टीम के पास अर्शदीप सिंह जैसे धाकड़ गेंदबाज मौजूद है। तो भाई, इंग्लैंड की टीम भी T20 क्रिकेट की काफ़ी खतरनाक टीम मानी जाती है, इसलिए यह दोनों टीमों के बीच काफ़ी T20 सीरीज रोमांचक भरी होने वाली है, जहां पर इन दोनों टीमों के बीच पहला T20 महामुकाबला 22 जनवरी को खेला जाएगा, जो कि शाम 7 बजे से गुवाहाटी में शुरू होने वाला है। तो भाई, रोहित शर्मा ने इसी के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ पहला T20 महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे सकती हैं, जहां पर इस महामुकाबले की हम टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो एक बार फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी T20 क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं, और जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में भारत के लिए T20 क्रिकेट में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों से इस सीरीज में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस समय T20 क्रिकेट में काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज माने जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए आखिरी T20 महामुकाबले में जबरदस्त 121 रन की बेहतरीन पारी खेलकर वह T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर भी बने हैं, इसलिए उनसे उम्मीद है कि वह इस सीरीज में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी T20 क्रिकेट में अपने लंबी लंबे ताबड़तोड़ सिक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके पास यह वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज होने वाली है कि वह इस सीरीज में एक बेहतरीन प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। तो वहीं 3 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली हालांकि इस समय T20 क्रिकेट में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, लेकिन वह जिस तरह के बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं वो कभी भी फॉर्म में वापसी कर सकते हैं, इसलिए उनके पास यह सुनहरा मौका होगा कि वह ना चाहेंगे। तो वहीं 9वें खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर के लिए मौका दिया गया है, क्योंकि सुंदर ने जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 महामुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की और मात्र 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। तो वहीं 9, 10 और 11 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान में प्रदर्शन किया उसी प्रकार से वह इस सीरीज में करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज के लिए T20 क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह से इस सीरीज में अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाल ही में इस प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।